अच्छा देख ये देख क्या गंदी कर रही, जो साफ हो गया वो करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, दिस इज यूर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी लेट तो उठा 9 बजे भाई। तो भाई उठते उठते भाई शाम काम करना, सबसे पहले भाई पानी गर्म करना है अपने को, ठंड का वक्त चल रहा है ना, तो भाई पानी गर्म पीता हूँ मैं। हो गई तो ये ठंडों में गर्म पानी सही रहता, पीना जैसे ढाई सीम सही रहता है। और जिम भी स्टार्ट कर देना हमारे भाई ने, उसके लिए सब पानी गर्म करना अपने को, पानी गर्म कर देते हैं उसके बाद मिलते हैं भाई। तो भाई पानी तो गर्म हो गया है, कटोरा भी गर्म हो गया काफ़ी, बस पीते हैं इसको। ये तो सही है। तो भाई धूप लेने आ गए छत पे, भाई धूप लेने आए वैसे ही बादल आ गए। देखो लो अच्छी आती, ठीक ठाक धूप निकल रही थी ना, मैं सोची धूप ले लूँ। तो भाई नया चैनल मैं खोल रहा हूँ, तो नए चैनल यहाँ तक है, ये वाला ब्लॉग मैं सारे नए चैनल पे डालूँ या पुराने वाले पे डालूँ वो देखते हैं भाई। बस आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और सोचा था एक आध दो रील भी बना लूँ। अभी सुबह का वक्त है, अभी खाली भी पड़ा हुआ हूँ मैं, तो इंस्टाग्राम पर जाना फॉलो कर लेना भाई, नया अकाउंट मैंने बना लिया है, आपको बताओ या ना बताओ मैं आपको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक, तो उसको जाके देख लेना, फॉलो कर लेना भाई, ठीक है ना। और भाई मैंने वैसे सोचा नहीं है कि उसको नाम क्या रखूँ, जहाँ तक मैं दो नाम मैंने सोचे हैं जिन्हें मैं रखने वाला हूँ, जिसके युगल के ब्लॉग्स या युगल ब्लॉग्स, ठीक है। इन दोनों से आप मुझे बता दें कौन सा डालूँ, और जहाँ तक मुझे अच्छा लग रहा है युगल के ब्लॉग्स वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखते हैं भाई आज या कल मैं कर ही लूँगा, ठीक है। नया सिम है मेरे पास, नया ईमेल भी है, और भी चीज़ है मेरे पास, तो मैं ट्राई करूँगा भाई। तो यार नाश्ते का टाइम हो गया भाई, पराठा रेडी है, ऑमलेट में बना रहा हूँ, एक घंटा ये गया और ये तवा गर्म हो रहा है भाई। नाश्ता बना लूँ उसका, खाते हैं फिर चलते हैं दुकान पर, नहाऊँगा फिर खाते हैं फिर चलेंगे दुकान पर, ठीक है। अभी बना लूँगा पहले से, पहले तो मैं पराठा ये किया, अंडा उसमें मैंने डाल दिया, अब खाली फैट करना इसको, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो भाई आज का सीन जो है वो एग पराठा है ना, तो ऐसे बनाता हूँ एग पराठा, और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। बथुआ का है ना, बथुआ का पराठा है प्लस एंड मस्त टेस्ट आता है एकदम, दूध के साथ में खाऊंगा इसको मैं, और डाइट भी सही है इसकी, खाने में हेल्दी भी है, ठीक है। अंडा तो बन गया, अभी हाफ फ्राई और बनानी है मेरे को, एक अंडा और फोड़ना है इसमें, ऑयल तो गर्म हो गया, एक हाफ फ्राई और बना लूँ, ठीक है ना, उसके बाद नाश्ता प्रॉपर अपना हो जाएगा। तो भाई नाश्ता एकदम परफेक्ट बना हुआ है, लाजवाब टेस्टी एकदम। यदि भाई थोड़ी सी चाय है तो चाय तो मैं थोड़ी पीता हूँ, पीता नहीं, बाकी मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उस पर चलते हैं दुकान पर। तो भाई नाश्ता तो हो चुका है, पर मस्त तरीके से हम चलते हैं दुकान पर, देखो चलते हैं भाई। तो भाई दुकान पर तो आ गए, दुकान पर लफड़ा हो गया अभी, आते आते मंगू नहीं आया अभी तक, क्योंकि गोबर पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। अरे मंगू आएगा भाई वही साफ करेगा, मैं फ़ोन तो लगा दिया, 5-10 मिनट लगेंगे भाई, ज़्यादा कर दीजिए। अब जो है मंगू का आना तो वही करेगा, मैं तो नहीं करूँगा अभी फिलहाल, तो ऐसा आ जाएगा जल्दी फल्ली कर बाइक ही बैठाएगा सर, बड़ी जल्दी आ गया। अच्छा देख ये देख ज़्यादा गंदी कर गई, जो साफ हो गया वो करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि आज गाय रोज का होता पर डे का, पर डे भाई ऐसी गंदी करती गाय, भाई गाय के क्या है भाई, रोक तो सकते नहीं है, सोने आ जाती ना यहीं पे, क्या कर सकते हैं, बोलो भाई जल्दी। तो गाड़ी तो धीमे धीमे लग चुकी है, बता कौन सी गाड़ी सही करूँ दे ली, बता। अच्छा वो भी हालत में नहीं है कि हो पाए वो सब कब आ रहा है, क्यों क्या सही होगा, चलो मैं जल्दी करो, कल तो 9:30 तक आ जाया करो यार, ठीक है जल्दी आया करो, इतना लेट सही नहीं है, सुबह आना तू का इंतजार में खड़ा है कोई काम नहीं है, पड़ोसी है मैं, देखो मोटे वाला पड़ोसी है कोई काम नहीं है। अब ये दिक्कत सबसे दिक्कत ये हुई बस यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे थोड़ा बहुत, हाँ सर लगा लेना भैया, ठंडी ज़्यादा लग रही है, आज नोटिंग कर रहा है भाई, देखो कितना कबाड़ा भरा हुआ है। अब भाई झाड़ू ढूंढना तो उसमें मुश्किल है, अंधेरा भी है, देखते हैं किधर है। अब जिस तो गंदगी हो गई उसको भी साफ करना, झाड़ू लगा के अच्छे से देख लो भाई कितनी गंदगी हो गई है। अब मैं झाड़ू ढूंढना जा दूँ, कितना कबाड़ा भरा हुआ, देखो भाई झाड़ू किधर है भाई, कहाँ डाल दी इसने, वो हो गई कुन्ने में पड़ी हुई है,
झाड़ू मारना स्टार्ट करते हैं तो भाई सारा काम करना पड़ता है, दुकान है कोई, दुकान पर सब करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। किसी की भी शर्म नहीं करनी चाहिए कभी भी जिंदगी में, काम है काम को काम के तरीके से करना चाहिए, ठीक है। मैं काम करता हूँ उसके बाद आपसे मिलते हैं, झाड़ू मार लूँ ना मैं तो मिलता हूँ मैं आपसे। तो भाई एकदम टकाटक साफ हो गया, देखो भाई तो पहले यहाँ गोबर डला हुआ था, फिर अच्छे से क्लीन सेव कर दिया, क्लीन कर दिया आपको अच्छे से एकदम, आपको ना गंदगी, खाली अंदर की सफाई करनी वो मंगू कर देगा, वो मैं नहीं करूँगा अभी, ठीक है ना। मंगू का अंदर हो गया सामने, वही करेगा, ठीक है, मैं तो नहीं करूँगा। तो भाई सफाई करते करते एकदम काम के बीच में एक बाइक आ गई है, उसमें थोड़ी मिसिंग की प्रॉब्लम, मतलब स्लो में झटके ले रही है, वही चेक कर रहा हूँ मैं कैसे कहाँ से दिक्कत आ रही है, वायरिंग में दिक्कत आ रही है, जहाँ तक कोई कपलर वगैरह उसका ढीला हो गया है इसकी वजह से मिसिंग मार रही है, तो मैं चेक कर लूँ उसका, देखते हैं दिखाते हैं आपको। तो भाई ऊपर से प्लग आपको लग रहा होगा कि प्लग सही है, और ये प्लग सही नहीं है, इसमें करंट हल्का आ रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लीड लगा चेक कर रहा हूँ ना, करंट सही आ रहा है, और मैं जैसे प्लग को लगाता हूँ तो इसमें करंट काफ़ी हल्का मार रहा है, इसका मतलब ये कहीं कहीं हल्का शॉर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको चेंज तो नहीं करूँगा क्योंकि कस्टमर ने नया प्लग लगाया इसको, तो मैं खाली इसकी मट्टी है चीनी मट्टी इसको मैं हटा दूँगा, वैसे ये सही हो जाएगा, उसके बाद चला के चेक करके आऊँगा, फिर भी बताऊँगा कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रही, ठीक है ना। पहले इसको फोड़ता हूँ, पहले फोड़ना है मट्टी, फोड़ो उसकी, देखा यहाँ नहीं रखा हुआ था, फोड़ो वही प्लग तो ऐसा था ना कि ऊपर से मालूम पड़ा था सही है पर वो सही नहीं था ना, अब दो ऐसे फोड़ रहा था उसको, माल निकलाया सारा उसमें से, तो ये यही प्लग जो है वो सही हो जाएगा, चाहता हूँ, ठीक है। आपका पास जूम कर लूँ ना, अपना कहाँ दिखाई दे रहा, पहले दिखाई दे रहा था बिल्कुल भी, बिल्कुल जो था वो मामूली करंट दिखाई दे रहा था, अब जो है सही है, तो देखते हैं। तो भाई बाइक एकदम परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ देखो एकदम मस्त चल रही है टकाटक, मुझे मालूम था ये कमी आने वाली है, जब भी प्लग कर रहा है प्लग ऊपर सही लगता है पर होता नहीं, तो भाई अब जो है परफेक्ट चल रही है, चलते हैं दुकान की ओर। तो भाई एक प्लेटिना और आ रही है सही होने को, इसमें गेयर फंस रहे हैं और बाकी जो है वाली पीछे खड़ी हुई है, उसका ही काम चल रहा है, उसका ही काम करेंगे, करो भाई जल्दी जल्दी। तो भाई ये गाड़ी भी कंप्लीट हो गई है, और मैं जैसे भी सेविंग करवाने गया था भाई, सेविंग थोड़ी हुई अपनी जो गाड़ी है वो सेट कराने, तो सही लग रही है ना टकाटक एकदम, बस यही चीज़ है। अब आज का ब्लॉग जो है मैं जिम जाऊँगा, और जिम जाने के बाद ब्लॉग का एंड कर दूँगा। हाँ तो भैया जिम से आए हैं, दुकान बंद करके अभी जिम से होकर आया हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा थकान हुई, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, कल जो का जो रूटीन है वो बनेगा सनी देव का, तो जो नए चैनल का ब्लॉग मैं उसी पे डालूंगा, ठीक है ना, उसका ब्लॉग मैं नया चैनल डालूंगा, तब तक के भाई चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी था, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।